कुंती ने श्री कृष्ण जब विदा होके जाने लग गए तो वो सामने आई और उनके आने का प्रयोजन था कि वो क्या चाहती हैं उस समय कुंती जी ने वो वरदान मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा था उन्होंने कहा कृष्ण हम तो केवल तुमसे विपत्तियां मांगते हैं विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत् गुरु विपत्तियों में ही तुम्हारा दर्शन होता है याद आती है कबीर ने भी कहा है सुख के मारे माथे सिल पड़ो जो हरि को बिस्राए बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए उन्होंने ब्रज लीला की याद किया कि यशोदा जब तुमको साटी लेके डरा रहे थे गोप्या ददे त्वी कृता गसीदाम तवद याते ते दशा श्रुकुलांजन संभ्रमाक्षम वक्त निनीय भव भावित स्थित साम माम विमोहत भी भीरपी भी भी अदिभि भय काल भी जिससे कांपता है वो भगवान यशोदा की छोटी सी साटी से देख करके डर रहे हैं वक्तृनीय भव भावना भाव भय भाव भाव की भावना से सिर नीचा कर रखा है ऊपर उठा नहीं रहे हैं सामाम विमोहती ये बात हमें मोहित कह रही है और तुम्हारी इन्हीं लीलाओं को गाने वाले सबसे जल्दी तुम्हारे चरणों को पाते हैं हम लोगों की कोई सत्ता नहीं है यदुवंशी हो चाहे पांडव हो कि वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि पांडवा पांडव भगतों दर्शनम य रही ऋषि गणामी जब तक मनुष्य अपने में बल की अनुभूति करता है निर्बल नहीं बनता तब तक भगवान नहीं आते हैं और जान गए कि एक श्री कृष्ण अब लीला संवरण करके धाम जाने वाले हैं उन्होंने कहा कि ये सारी पृथ्वी नियम शोभिष्यते तत्र यथे दानिम गदाधर इसकी ऐसी शोभा तब नहीं रहेगी अभी तो आपके चरणों से अंकित है विलक्षण है इसकी शोभा ये जनपद ये देश ये सुपकौषध विरुद्ध चारों ओर अच्छी फसल फूल हरियाली छा रही है और नदियां समुद्र ये सब शोभित हो रहे हैं आपकी दृष्टि से आप इतनी और कृपा करो कि हमारा पांडवों में जो आसक्ति है ममता है मोह है उसको काट दो स्नेह पाशम इमम छिंदी छिन्धी दृढ़म पांडुषु वृषणिषु संसार में आसक्ति ममता का बंधन छूटना आवश्यक है उसके बिना भगवान में प्रेम नहीं होता आप में मेरा अनन्य प्रेम रहे जैसे कि गंगे घऊ गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर जाता है बड़े वेग से वैसे ही हमारे मन का प्रवाह प्रेम का प्रवाह भी आपके चरणों में रहे भगवान हंस गए मंदम जहाज वैकुंठो हो सोहसन माया अपनी माया से हंसते हुए और फिर उसके बाद में युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि अब हम नैनो राग्य प्रजा भरतुर धर्म युद्धो वधो दुषम तुम पाप को डर रहे हो राजा के को धर्म युद्ध में पाप नहीं लगता है युधिष्ठिर ने भी कहा कि मेरा ये पाप का जो इतनी हत्याएं हुई हैं ये हमें याद आती हैं एक यज्ञ से इतने पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे भूत हत्याम तथई वे काम न यज्ञ मार्ष्टु मरहरती तब भगवान ने उनकी शांति के लिए जहां भीष्म पड़े थे देवव्रत कुरुक्षेत्र गए सभी भाई गए वहां पर और वहां भीष्म का उपदेश हुआ पूरा भीष्म पर्व है भीष्म के साथ धर्म चर्चाएं हुई इस तरह से एक द्रौप कुंती का चरित्र नाभाजी ने वर्णन किया उसके बाद उन्होंने द्रौपदी जी का चरित्र गाया है द्रौपदी सती की बात कहे कौन ऐसो पटु खैचत ही पट पट कोटि कोटिगुनो भयो है द्वारकाय के नाथ जब बोली जब ना साथ हुते द्वारका सो फेरी आए भक्तिवाणी भयो है गए दुर्वासा ऋषि बन में पठाए नीच धर्म पुत्र बोले आवे पन लयो है भोजन निवार अही सोच पर्य चाहे तनुताग्यो क्यों कृष्ण कहू गए हैं द्रौपदी सती हैं द्रौपदी सती की बात कहे कौन ऐसो पटु ऐसा कौन चतुर है तो सती द्रौपदी की बात को कह सकता हो क्योंकि पंच पंचभर्त्री होने पर भी सती है। महासती हैं सती के एक पति होते हैं इनके पांच पति थे इसलिए इनको पंचभर्त्री कहा गया किंतु ये महासती थी उसका कारण है पूर्व में ये ऋषि कन्या थी अपने अनुरूप पति की प्राप्ति के लिए इन्होंने शिव की आराधना किया शिवजी प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए कहा शिव को सामने देख करके प्रसन्न होकर के इन्होंने पांच बार मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो ये वरदान मांगा तब तो शिव जी ने कहा भद्रे तुम्हारे पांच पति होंगे क्योंकि तुमने पांच बार मांगा है इसी वरदान के फलस्वरूप द्रौपदी पंच भर्ती होने पर भी महासती बोली गई द्रौपदी नाम इसलिए पड़ा द्रुपद की स्त्री थी लड़की थी द्रुपद की लड़की होने से द्रौपदी इनका नाम पड़ा द्रुपद ने इनका नाम कृष्णा रखा था इसलिए इनका एक नाम कृष्णा भी था पांचाल नरेश की पुत्री होने से पांचाली भी इनको कहते थे इन्होंने जब जुए में पांडव इनको हार गए होनहार की बात थी तो इन्होंने भगवान को बुलाया गोविंद द्वारका वासन हे गोविंद द्वारका के निवासी कृष्णगोपी जनप्रिय कौरवी परिभूता कृष्ण तो उस समय भी इनके साथ थे लेकिन द्वारकावासी इन्होंने कहा तो उनकी वाणी को सत्य करने के लिए द्वारका से आए द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ होते द्वारका सो फेर ही आए भक्तवाणी भयो है भक्त की वाणी सच करने के लिए गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय और गोपी जनों के प्यारे हैं तुम गोपियों को दुहाई दिया ब्रज में गोपियाँ जैसे नचाती थी वैसे नाचते थे इसलिए गोपी प्रेम की बात कही कि तुम तो ऐसे प्रेमी हो गोपियों के प्यारे हो कौरवई परिभूता माम किम न के शव कौरवों ने हमको तिरस्कार कर रखा है क्या तुम जानते नहीं हो जानते हुए वो भी नहीं आ रहे हो और कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन प्रपन्ना गोविंद गुरु मध्य हे कृष्ण तुम महायोगी हो विश्व की आत्मा हो विश्व को उत्पन्न करने वाले हो कुरुमध्य कौरवों के बीच में मैं डूब रही हूं प्रपन्नाम पाई मैं तुम्हारी शरण में हूँ मेरी रक्षा करो इस तरह से उन्होंने बुलाया गुसाई तुलसीदास जी लिखे हैं सभा सभा सद नीरा की पट पकड़ी उठायो हाथ द्रौपदी ने देखा बहुत बड़ी सभा पृथ्वी के राजा हैं बैठे बड़े बड़े सभासद हैं इनके बीच में हमको वस्त्रहीन किया जा रहा है हमारी लज्जा बिल्कुल नहीं है अपना हाथ उठा दिया सभा सभा सद निरख पद पकड़ उठायो हाथ साड़ी पकड़ करके हाथ उठा दिया तुलसी की ग्यारह बसन वेशनाथ दशावतार तो भगवान का प्रसिद्ध है ग्यारवा अवतार भगवान ने अंबरावतार किया और प्रथम बढ़े पट भी अभी जब उसने तीन बार पुलाया तो पहली आवाज में तो वस्त्र बढ़ गया प्रथम बढ़े पट बिया बकल बिकल चाहत चकित निज काज द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन तजियाये निज धाम त्राही तीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज पहली बार में तो वस्त्र बढ़ गए और दूसरी बार में सारी सभा चकित हो गई साड़ियों की जैसे धारा चली आ रही है आकाश से सब समाज चकित हो गया और तीसरे आवाज में दुशासन थक के गिर गया सारी सभा धिक्कार धिक्कार कहने लग गई द्रुपता सुता निर्बल भई दिन तजी आए निज धाम दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम साड़ी तो पतली पतली थी झीनी झीनी दुशासन के हाथ में दस हजार हाथियों की ताकत लेकिन वो पतली साड़ी खींचने में उसके दम चल गए थक के गिर पड़ा और सारी सभा धिकार कहने लग गई तीन बार जो द्रौपदी ने बुलाया उसका यह परिणाम रहा दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम श्री कृष्ण वस्त्र रूप हो गए वस्त्र भी कहा नीचे का भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं इवे अधोवस्त्र बन गए कहा गरे बैरी प्रबल जो सहाय यदीर दस हजार गज बल घट्यो घटो न दस गज चीर महाभारत के बाद सब लोग बैठे पांडव लोग महाभारत की चर्चा कर रहे थे कोई कहता था उस दिन का अर्जुन का युद्ध बड़ा विकट था जब जयद्रथ कुमारा कोई कहता था भीम का वो युद्ध हाथियों को उछाल देते थे गेंद की तरह आकाश में भीमसेन की चिगार से हाथी मलमूत्र त्याग देते थे भीम की ऐसी गर्जना रहती थी बहुत सी बातें युद्ध की चर्चा कर रहे थे लोग कोई कहता था कर्ण का पराक्रम याद आता है कोई कहता था अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकारें भगवान चुप बैठे थे उनसे पूछा गया आपको महाभारत की कौन सी घटना याद आती है तो उन्होंने कहा यद गो बिंदे तिचुक्रोश कृष्णा दूरवासीनमणमेत प्रवृद्धम मे हृदयान्नापरपति जो द्रौपदी चिल्लाई थी सभा में गोविंद गोविंद द्वारिका द्वारिकावासीन वो आज तक बात याद आती गोविंद नाम गोविंद द्वारका द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय जो गोविंद उसने आवाज लगाई थी जोर से यद गोविंदे तिचुक्रोष्ण कृष्णा माम दूरवासिन जो मैं दूर था और उस समय जो उसने गोविंद आवाज लगाई तो ऋणम एतम प्रवृद्धम में वो आज तक ऋण मेरे ऊपर बढ़ रहा है यद्यप मैंने पट बढ़ाया लेकिन ऋण चुका नहीं नाप सरपति आज तक वो कर्ज मेरे ऊपर लदा हुआ है भक्त पुकारता है तो भगवान उसको सुनते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं ये आ लोग कहते हैं भगवान आते नहीं लोग कहते हैं भगवान आते हैं द्रौपदी की तरह ते नहीं बुलाते नहीं लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं लोग तो कहते हैं भगवान खाते भील तो भीलनी खिलाते नहीं दिल में कीर्तन के आते लगे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो सच्चे मन से तुम उनको बुलाते चलो सच्चे मन से प्रभु को बुलाते चलो एक और चमत्कार द्रौपदी के कारण से हुआ चीरहरण में तो चमत्कार हुआ ही लेकिन उससे बढ़कर चमत्कार जंगल में हुआ जब पांडव जंगल में रहते थे तो उस समय कौरवों ने दुर्वासा ऋषि को भेजा था दुर्वासा बड़े क्रोधी ऋषि हैं शाप देने में शक्ति नहीं भस्म कर दें अम्बरीश को ही भस्म करने के लिए कृत्याराक्षसी उत्पन्न किया था जब क्रोध आ जाता है तो किसी को कुछ नहीं देखते कुछ नहीं समझते अभी लोग कोई बहुत गुस्सा करता है तो कहते हैं अरे दुर्वासा है दुर्वासा जी की सेवा किया दुर्योधन ने ऐसी सेवा किया परीक्षा लिया उन्होंने कभी रात में कुछ कहें कभी दिन में कुछ कहें कहीं बारह बजे रात को भोजन मांगें <coughs> जो कुछ कहें सब तैयार सैकड़ों से वक्त थे दुर्योधन के वो बड़ा छली था जानता था दुर्वासा प्रसन्न हो गए तो हमारा काम बन जाएगा दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया उसने दुर्वासा बोले दुर्योधन मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं इतने हजार शिष्य सब को तूने प्रसन्न किया दस हजार शिष्य थे जो शिष्य जो मांगे वही तैयार रात को खीर मांगे तो खीर तैयार हलवा मांगे हलवा, तो तू कुछ मांग ले हमसे दुर्योधन यही चाहता था कि हमसे वरदान के कहें उसने कहा कि महाराज आप पांडों के यहाँ जाओ जंगल में हैं और उनका आतिथ्य ग्रहण करो उनको भी सेवा का अवसर दो दुर्वासा बड़े प्रसन्न भय कि लोग कहते हैं दुर्योधन कूड़ता है ये तो बड़ा उदार है पांडवों को भला चाहता है बोले जाएंगे भाई बोले एक काम करना प्रभु द्रौपदी जब भोजन कर ले तब जाओ नहीं भूखी रहेगा द्रौपदी सबसे आखिरी भोजन करती थी एक सूर्य देवता के दी भाई बटलोई थे उससे जितने आदमी भोजन करो मांग लो दस हजार नहीं चाहे बीस हजार हों लेकिन द्रौपदी के भोजन करने के बाद उसमें से कुछ नहीं मिलता था दुर्योधन ने ये मांगा कि उसके भोजन करने के बाद आप जाओ जानता है था, तब इनका सत्कार नहीं हो पाएगा ये शाप दे देंगे पांडव भस्म हो जाएंगे दुर्वासा जी पहुंचे दस हजार की प्लाटून पांडवों को कहना पड़ा आइए महाराज आतिथ्य ग्रहण कीजिए बोले हाँ जरूर खाएंगे तुम्हारा तो तुम लोग बड़े प्रेमी हो तुम्हारा बड़ा नाम है हम स्नान करके आते हैं पूरी की फौज चली गई स्नान करने और वहाँ दस हजार नहाने धोने में टाइम लगा द्रौपदी ने चिंता व्यक्त किया कि अब मर गए दस पांच हो तो कंदमूल फल लाया जाए दस हजार को कहाँ से प्रबंध करेंगे तो उस समय द्रौपदी ने कहा है कि चिंता क्यों करते हैं क्या कृष्ण कहीं चले गए द्रौपदी जब परित्राता ये ने कौरव कश्मला कृष्ण को आप गत कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं तो उन्होंने गोविंद को बुलाया जंगल में और देवकी नंदनम चे हे कृष्ण देवकी देवकीनंदनो व्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार प्रणतार्ति विनाशन हे देवकी नंदन हे वासुदेव हे जगन्नाथ शरणागत की कष्ट को हरने वाले आपने पहले भी चीर हरण में हमारी रक्षा करी थी दुशासनाद पूर्व सभायाक्षिता यहां संकटमसी वैसे इस समय भी आप संकट से हमारी रक्षा करो और भगवान दौड़ते आए और द्रौपदी के झोपड़ी में घुसे घुसते मान उन्होंने नाटक उल्टा किया बोले द्रौपदी भूख लगी है भोजन ला विपद के कारण हार धरे आहार अजू हमको दुराओ हम सुधराओ कही बाणी अभिराम है लगो शाक पत्र पात्र जल संग पांगे पूरण त्रिलोकी विष मिले कौन नाम है द्रौपदी ने कहा महाराज इस समय तो हमारे पास कुछ नहीं है मैं भोजन कर चुकी हूं आपको क्या दू भगवान बोले धरे हैं आहार अजू हमसू दुराओ अरे तेरे पास भोजन है हमसे छिपा रही है कही बाणी अभिराम है बड़ी सुंदर बाणी कही छिपा रही है ला बटलोई बटलोई हाथ में लिया एक साग का पत्ता लगा था उसको पाए करके सारी त्रिलोकी तृप्त होगा ये ब्राह्मण की क्या चलाइएपाखा प्राणोपहारियाणाम तथा सर्वरण मच्युतेज्या सिद्धांत है नारद जी ने कहा जैसे वृक्ष की जड़ में पानी दो सारे सारा वृक्ष उस पानी से सिंच जाता है अथवा जैसे मुख्य प्राण मुंह में कौर दो तो सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं कान में खीर नहीं देनी पड़ती नाक में नहीं घुसानी पड़ती हाथ में नहीं मलना पड़ता मुख्य प्राण में ग्रास देने से सभी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं तरोर मूल निषेचन तृप्यंती तस्क भुजोपाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथ्य सर्वाहण मच्युतेज्या वैसे भगवान की आराधना से सब अनंत विश्व तृप्त हो जाता है और एक शाक उन्होंने मुंह में डाल करके पानी पिया सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई चार अचर जितने जीव थे और दुर्वासा की तो बात ही क्या है और भगवान बोले जाओ तुम लोग बुला लाओ ऋषियों को भीम अर्जुन देखने लग गए यहाँ तो कुछ भी नहीं है बतासा भी नहीं है लेकिन भगवान की आज्ञा है चलो अर्जुन गए भीम गए उधर दस हजार ऋषि उनका ऐसा पेट भर गया ऊर्धम गच्छन्ति थी डकारा अधो गच्छन्ति वायव ऊपर से डकार आ रहा है नीचे से अपान वायु निकल रही है और एक बूंद भी एक कणिका खाने की जगह नहीं सब लोग बोले अरे भाई पांडवों ने निमंत्रण किया है और नहीं पाएंगे तो अपराध लगेगा दुर्वासा जी बोले हाँ भाई अम्बरीश की घटना याद आ रही है <laughs> अब क्या किया जाए सब बोले गुरुजी भाग चलो यही उपाय है बचने का गुरुजी जी भागे और दस हजार चेला भी भागे तब तक अर्जुन पहुंच गए और भीम बोले अरे महाराज दंडवाद दंडवाद कहा जा रहे हो सुना ही नहीं सब भागते जा रहे हैं भीम समझ गए कि ये कृष्ण की माया है ये भाग रहे हैं खाएंगे नहीं बोले अरे महाराज हमारा सब माल बिगड़ रहा है जलेबी है और मोहन थार है सब बिगड़ जाएगा महाराज चलो दुर्वासा बोले अरे भाई भीम एक चूरन खाने की भी जगह नहीं है पेट में तू तो कह रहा है जलेबी और मोहन थार बोले महाराज आपने कहा था हम नहा के आएंगे अरे भाई कहा तो था लेकिन बीच में ऐसा पेट भर गया है जिन्हें क्या माया है भगवान की कि एक ग्रास छू नहीं सकते खाना तो दूर रहा बरदान मांग लो भीम ने कहा हम क्या मांगे महाराज आप ही वरदान चाहो सुदय दो क्योंकि तो हमारा माल बहुत बिगड़ रहा है अरे भाई अब मैं समझ गया दुर्योधन ने भेगा भेजा था क्यों भेजा था और कहा था द्रौपदी जब भोजन कर ले जब जाना छल किया दुर्योधन ने जा तेरे शत्रुओं का नाश हो जाएगा भीम से बोले और कुछ मांग ले बोले महाराज मिल गया अब माल बिगड़े तो बिगड़न दो दस हजार शिष्य लेके चले गए उसी बात को प्रियादा जी कह रहे हैं सुनियो भागवती को बचन भक्ति भाव भर्यो करो मन आए श्याम पूजे ही एक काम है आवत ही कही मोह भूख लागी देवी कछु महा सकुचाए मांगे प्यारो यही धाम है जब कृष्ण ने कहा हमें बहुत भूख लगी है तो बड़े संकोच में द्रौपदी पड़ गई आज कृष्ण भूखे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है विश्व के कारण विश्व के भरण हार धरे हैं आहार आजू हम सो दुराव कहीं बाणी अभिराम है लगी शाक पत्र पात्र जल संग पात्र ये पूरण त्रिलोकी विप्रग्नय कौन बाम है इस तरह से द्रौपदी के कारण भगवान ने दो बार एक तो चीरहरण के समय एक दुर्वासा के समय में ऐसी रक्षा किया द्रौपदी के चरित्र की विशेषता एक और है कि इनके हृदय में दया बहुत दया थी जब महाभारत का युद्ध हुआ सब मर गए कौरों में कोई नहीं रहा तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन का प्रिय करने के लिए पांडवों से बलनाथ बदला लेने के लिए रात में तलवार लेके गया कि रात में सोते सोते भाई पांडवों को मार डालूंगा सोते हुए को मारना अधर्म है लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो धर्म अधर्म कुछ नहीं सोचता अधर्म करने के सोच लिया अश्वत्थामा ने हमारे पिता को भी तुम्हारा मारा द्रोणाचार्य को तब इन्होंने कौन सा धर्म सोचा था पांडव धार्मिक नहीं है इनको अधर्म से मार देना चाहिए इन्होंने भीष्म को मारा शिखंडी की ओट में तो कौन सा धर्म था मैं भी रात को सोते भय पांडवों का बध करूंगा सोच करके रात में चला जब रात में चला जो तंबू था पांडवों का टेंट उसके द्वार पर देखा एक बहुत भीषण आकार का पुरुष भयानक रुद्र महादेव जी पहरा देते थे पांडवों की रक्षा के लिए भगवान का भक्त उसकी रक्षा सब लोग करते हैं चक्रम चक्री शूलमादाय शूली पाशं पाशी वज्रमादाय वज्री धाव्यग्रे पृष्ठ तो बायत राधा राधा वादिनो रक्षणा जो मनुष्य राधा राधा कहता है उसको विष्णु भगवान चक्र लेकर के महादेव जी त्रिशूल लेकर के यमराज पाश लेकर के इंद्र वज्र लेकर के ये सब रक्षा करते हैं तो पांडवों की रक्षा भी रुद्र भगवान कर रहे थे रात को तंबू में पहरा देते थे महादेव जी कोई घुस न जाए जब अश्वत्थामा पहुंचा देखा रुद्र आकाश तक शरीर और इतने ऊंचे की दिखाई नहीं पड़े उनके रोम रोम से अग्नि निकल रही है रुद्र रूप तो उसने देखा समझ गया कि रुद्र हैं आराधना से सबको बश में किया जा सकता है आराधना होनी चाहिए सच्ची देखो तुम लोगों को आराधना की एक बात बतावें कि जहां बैठे हो इसको तोड़ने का आदेश डीएम ने दिया था कि तोड़ दिया जाए लोगों ने बहुत प्रयत्न किया और ऑर्डर निकलवा दिया हमसे लोगों ने कहा कि ऑर्डर हो गया तोड़ने का कई करोड़ की बिल्डिंग है सात आठ मंजिल की अब तोड़ दी जाएगी हमने कहा नहीं टूटेगी यहाँ आराधना होती है सभी लोग रात को नृत्य करते हैं और कृष्ण नाम लेकर के आराधना होती है कभी नहीं टूटेगी और वही हुआ वो आर्डर फाडर सब धरे रह गए और बड़े बड़े मिनिस्टरों ने जोर लगाया अब वो सदा के लिए मात खा गए आराधना से भगवान में हो जाते हैं आराधना ऐसी चीज है एक छोटी सी अनुभव की बात सुनाई निश्चित था है कि टूट जाती लेकिन आराधना होती है यहां पर डट करके आराधना होती है और कुछ नहीं हुआ और एक का दूसरा बन गया रस मंडप टूटने की जगह दूसरी बिल्डिंग बन गई क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं पचास से ज़्यादा नृत्य करती हैं तो ऐसी बिल्डिंग चाहिए थी सौ एक साथ नृत्य कर सकें तो रसमंडप मंडप बन गया पंद्रह दिन के बाद वही आराधना होगी तो आराधना से भगवान वश में हो जाते हैं ये निश्चित बात है होनी चाहिए आराधना दृढ़ संकल्प के साथ आराधना होनी चाहिए यहाँ जो आराधना होती है तो हम लोग चले जाते हैं यात्रा में तब भी होती रहती है एक दिन भी चाहे पानी की वर्षा हो चाहे आपत्ति आप हो रुकती नहीं है नृत्य करने वाली हैं उन निष्ठा के साथ प्रभु को जाती हैं तो अश्वत्थामा ने देखा रुद्र आए आराधना के लिए उसने यज्ञ शुरू किया और अपने शरीर के मांस काट काट के स्वाहा रुद्राय स्वाहा कहने लग गया फिर भी रुद्र प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि भगवान के भक्तों से कैसे बैर कर सकते हैं तो खुद चढ़ गया यज्ञ कुंड में जब खुद चढ़ गया तो महादेव जी को विवश होना पड़ा किसने सर्वस्व समर्पण कर दिया भगवान भी आराधक के वश में हो जाते हैं रुद्र ने तलवार दिया ले ले जा इससे जितने भी बचे हैं इनको मार डालेगा भगवान कृष्ण जानते थे कि होने वाला है तो पांडवों को शाम को ही निकाल ले गए थे कहीं दूसरी जगह और जितने बचे थे पांडवों के सैनिक उनको अश्वत्थामा ने मार दिया रात में अंधकार में सबके सिर काट दिए और द्रौपदी के पांच बेटे महारथी उनको भी मार दिया द्रौपदी रो रही थी क्योंकि पांचों बेटे महारथी थे अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा गए धनुष लेकर के उसको पकड़ लाए पकड़ लाए रस्सी से खेच करके आए तथा ऋतम पशुत पाश बंदम अवांग मुखम कर्म जिगुप्सित उसका सिर नीचा था नीच कर्म किया था निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरु सुतम द्रौपदी ने देखा गुरु का पुत्र है वामा स्वभाव कृपया नना मचा सारे भागवत में इसी जगह स्त्री की प्रशंसा की गई है नहीं तो स्त्रियों की निंदा की गई जगह जगह वामा स्वभाव स्त्री स्वभाव का होने के कारण उसने कहा मुच्यताम मुच्यताम एश छोड़ दो छोड़ दो ये तो तुम्हारा गुरु पुत्र है इसको ऐसे नहीं मारना चाहिए कृपया ननाम चा और उसको प्रणाम किया अश्वत्थामा को ऐसी गुरु भक्त थी ऐसी दयालु थी बोले जैसे मैं रो रही हूँ वैसी इसकी माँ गौतमी भी रोएगी ये अकेले बेटा है छोड़ दो छोड़ दिया लेकिन भगवान ने शाप दे दिया क्या श्रोथामा तूने ब्राह्मण करके ऐसा काम किया अनर्थ रात को या तू पाँच हजार वर्ष तक तेरे शरीर में कोड़ हो जाएगा दुर्गंध पीप बहेगा चुएगा तेरे पास कोई नहीं बैठेगा तो पाँच हजार वर्ष तक वो इसी तरह से सड़े शरीर से घूमता रहा किसी ने नहीं कहा बैठने को फिर ब्रज में पिसाया जहाँ हमारी यात्रा जाती है यहाँ आकर के रहा आराधना किया तब उसका शरीर सुधरा पिसाए की झाड़ी में अब भी लोगों को अश्वत्थामा के दर्शन होते हैं राधे किशोरी दया करो किशोरी हमसे दीनन कोई जग में हमसे कोई जग में बान दया की तनक ढरो सदा ढरी दीन पेश मा या विश्वास जो मन ही खरो विषम विषय विष ज्वाल माल में भी

हर विमुख गति को झगड़ो विमुख गति को राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो दया करो, दया करो।, दया करो। किशोरी दया करो